बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम मिर्ज़ा अबूबकर है, मेरे चैनल का नाम मिर्ज़ा अबूबकर ब्लॉग है। तो आज सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी थी और अब देखे इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तूफानी हवा। तो मैं जल्दी से छत पर आया, ये गिर गया। तो मैंने कहा देखो परिंदों का कुछ हुआ तो नहीं है, सब ठीक है बिल्कुल। इस बोतल को मिलता है, इनको भी खोल दो। और आज अंडा देखते हैं, है उधर एक अंडा और कोई अंडा नहीं, तो आज एक अंडा इसको आज हम इधर ले रहने देंगे, वरना कभी आके खा लेते हैं, तो मुझे पता भी नहीं कल चला था। ओए ओए, अब बारिश आएगी काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली, तो छत का फिर से वही वाला हाल हो चुका है जो अभी कल मैंने व्लॉग के शुरू में दिखाया था आपको। तो ये देखिए छत बाहर आ गया, ओले एक मैं इसको सेट कर लूँ। अब नहीं इंशाल्लाह हो गए से, ये दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, अरे यार एक मिनट अब नहीं होगा। ये सारे तो आगे, ये तीन लग गए, इनको भी मैंने बाहर निकालना है। ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है माशाल्लाह। और ये पटेर, इसको तो मैं मिट्टी के अंदर छोड़ देता हूँ, आज ठंडी ठंडी है ना मिट्टी। इनको तो मैं अंदर बंद कर दूँ क्योंकि यह सारा दिन सारी रात खुले रहते हैं, अब इनको थोड़ी सी देर के लिए बंद कर देते हैं। ये कर दिया मैंने बंद, मैं खुद इधर बैठ जाता हूँ। वो देखो छोटे वाला बच्चा भी आज रिलैक्स हो रहा है। ओए ओए यार काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। ये पास वाला देखें आप, इनका ना मैं केज वाला दरवाज़ा खोल देता हूँ ताकि अपनी मर्ज़ी से अगर केज के अंदर जाना चाहे तो जा सकते हैं। ये देखे बच्चा आज तो माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। वो झंडे को देखे ज़रा, हम भी इंशाल्लाह झंडा लगाएंगे अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। ऊपर बादल लेके, काले बादल आ रहे हैं ये इधर से, और ये छत पे बैठा हुआ है। ओए हुज़ैफ़ा तेरी शर्ट किधर गई? चलो छोड़े, हैं कौन सा दरख्त? ओए 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 बस, मुझे लगता है ये झंडा जो सा है ना
सीधा से उतर जाएगा। वो दरख्त ही लगता टूट गया, टेढ़ा हुआ है। अरे यार ये दरवाजा फिर से बंद हो गया। इसको मैं साथ में छोड़ देता हूँ। ये देखिए इसके लिए तो मैं बाजार से कोई नई फीमेल लेकर आऊंगा। अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बस इसके थोड़े से पीछे से है ना पर आ जाए। साइज अब बराबर का हो गया, पहले इतना ज़्यादा छोटा होता था उससे। आज मैं खुद ही नहीं इसको उड़ा रहा क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज है, कहीं जाकर बैठ ना जाए, क्योंकि अभी ये नया नया फ्लाई करने लगा है। इनकी तो खैर है, ये वापस आ जाएंगे। मैं ना यहाँ से अंडा उठाऊँ, ये है अंडा और ये है हमारा बटेरा। वहाँ बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। वो देखो वो छोटा बच्चा, ये लगता मेल है, ये भी ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था गुदड़गों वाली। मैं एक बार फिर से इसके बाद सुनना चाहता हूँ। ये गंजा कबूतर, ये तो अपने गेट के अंदर चला गया। वो दूसरे वाला चल गया, अब जब बंद ना हो जाए दरवाजा, मुझे पता था। तो आसमान देखो कैसे लाल हो गया, और इधर हमारा वो सूरज है। वो फीमेल अंदर गई, वो अपने बड़े वाले बच्चे को मार दिया। और ये देखे हमारा बटेरा, मुझे देख के ना ये खड़ा हो गया, वरना मिट्टी के साथ इतना ज़्यादा खेलता है ना ये। ये हमारी तरपाल ना टूट जाए हवा के साथ यार। अगर टूट गई ना तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। मैं ना इस बड़े वाले बच्चे को ना इधर छोड़ देता हूँ। ये मारने आया, ये तो मेल है ना कन्फर्म, इसका भी पता नहीं चलता।
तो फिर से बाहर आ चुके हैं और मैंने मुर्गियों को भी खोल दिया, वो उधर वाली साइड में चले गए। शुक्र है आज मौसम अच्छा हुआ। ये देखें, ये हैं वो मुर्गियाँ। तो आपने मेरे पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने ना इनको इधर दाना डाला था, तो इन्होंने दाना अभी तक भी ख़त्म नहीं किया। ये वाला दाना फीड में थोड़ा सा मैंने मिक्स किया था दाना, लेकिन दाना मुझे लगता है ये थोड़ा सा खा गए हैं। और ये फीड देखें, आज मैं इनको इसलिए नहीं ऊपर चढ़ा रहा क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है, ये कई दूसरे घर पे है ना छलांग ना लगा दे। ये जो सी वाइट वाली मुर्गी है तो सात वाले के घर जाती है, उधर से भाई छलांग लगा देती है। तो हम इस वाले पटेर को, ये खुद ही चल गया, शुक्र है याद ही होगा खुद ही अंदर जाने का। ये खुद ही अब उड़ कर ऊपर गए। इनको तो मैं बाहर निकालूँ वरना इन्होंने जख्मी कर देना। इसको तो मैंने पकड़ लिया, अब इसको मैं बंद कर दूँ। चलो भागो, ये भी ऐसे आवाज निकाल दी जैसे अंडों के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। देखिए कितने सुकून से बैठी हुई है। ये देखिए हमारे कबूतर, वाह काफी तेज अब ये आसानी से नीचे आ जाए। सही, ये हमारे तरपाल देखो, अरे यार अब ये नहीं जा रहा, फिर हम अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये उड़ गए, वो तो चले गए। चलो तो गाइस बारिश आ चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कनियाँ बारिश की पड़ रही हैं। और ये फीमेल तो अंदर आ गया, अब ये मेल भी आ गया, तो शुक्र है। ये अब अंदर गए, इसको मैं बाहर निकाल कर ऐसे दरवाजे को बंद कर दूं और ये तार को मैं लगा दूं ताकि इसका केज खुल ना। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग था वो यही तक था, आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।